वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डीप लर्निंग। आप लोग यहां पे देख सकते हैं मैं इड्यूटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पिक प्रश्न का सीरीज चालू करने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेट वन से शुरू हो रहा है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूं ई बुक का, आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बाद में क्वेश्चन आप लोगों को कराते जाऊंगा। आप लोग देख लीजिए इस बुक को, अगर कोई आप लोग नहीं देखे हैं तो इस बुक को देख लीजिए, देखिए किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इस बुक से मिलेगी। तो आप थोड़ा हम इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। ऑल स्टेट पीसीएस के लिए होगी, बीएसएससी के लिए होगी, बीपीएसएससी के लिए होगी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा या प्रैक्टिस सेट वन होगी। इसी के साथ वन टू थ्री में लाते जाऊंगा। टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होती है और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होती है, यही समय बताऊंगा। जो भी इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा वो एनसीईआरटी के आधारित क्वेश्चन होगी, इसका मैं सीरीज कराऊंगा। जिनके पास बुक नहीं, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो के अंत में आप बीच में दे दिया जाएगा। आप लोग इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और डे बाय डे इस सीरीज में लाऊंगा। कभी दो सेट लाएंगे, कभी तीन सेट, और इस समय में 50 क्वेश्चन रहेगी, आप लोग देखते जाइएगा। इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से, चलिए आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ 31 जनवरी 1601, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 31 दिसंबर 1600, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 1 जनवरी 1600, फोर्थ आंसर दिया हुआ है 30 मार्च 1610। तो इसका सही आंसर जो होगा बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा व्यापार करने का चार्टर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादी द्वारा भी वर्ग था, निम्न कौन नहीं शामिल है? मतलब उग्र राष्ट्रवादी में कौन सा सदस्य शामिल नहीं है, वही ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन को मैं देखते हुए डायरेक्ट मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए, तो सक्रियण जो उग्र राष्ट्रवादियों के साथ जो थे उनका सही आंसर होगा, यहाँ पे जो नहीं थे वो गोविंद रनाडेस जी नहीं थे। यही जो बाल गंगाधर तिलक, लाला राजपत राय और बिपिन चंद्र बोस सब उग्र राष्ट्रवादी के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिमाणों बाद में घातक सिद्ध हुआ? जो लखनऊ समझौता हुआ था उसके कौन से परिमाण के बाद घातक सिद्ध हुआ है, मतलब इसके परिमाण के साथ घातक सिद्ध हुआ? तो थ्री का आंसर जो हो गए सी, यहाँ पे देखिए कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था किस गवर्नर उस समय थे? तो सही आंसर होगा उसका लॉर्ड लिनलिथगो। डायरेक्ट हम आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। इडुटेरिया का जो 5000 का सेट है वही इसी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उस समय कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह? लॉर्ड लिनलिथगो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, फाइव नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो प्रमुख संस्था थी उसका नाम बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही आंसर होगी इसका सी नंबर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कौन सा? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था मानी जाती है इसको, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ पढ़कर। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो चारों ऑप्शन को आप लोगों को देखना है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है साइमन कमीशन के संदर्भ में, उसको आप लोगों को देखना है। तो देखिए जो सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ वो सही दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है इसके केंद्र में दी संसद विधायिका के उन्मूल का सुझाव दिया, यही होगा आंसर सी नंबर। और सब ऑप्शन जो दिया गलत है दिया हुआ है साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उसने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? मतलब किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था? पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, तो किस पार्टी से लड़े थे? तो सेवन का आंसर होगा डी, लिबरल पार्टी था। कौन सा पार्टी? लिबरल पार्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट है
भारत पर हूनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? भारत का हूनों का आक्रमण किस शासन के काल में हुआ था? तो एट का आंसर होगा यहाँ पे सी, स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये एहोल अभिलेख है किस शासक से संबंधित है वो हम लोगों को बताना है। तो नाइन्थ का होगा आंसर सी, पुलकेशियन द्वितीय के शासन काल में एहोल अभिलेख उस शासक से संबंधित है, पुलकेशियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दस नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, दस नंबर, शक्तिमय जयते किस उपनिषद से समग्रहित है, मतलब किस उपनिषद से लिया गया है? कौन सा? सत्यमेव जयते। तो दस का आंसर हो गया डी, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्यारह नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इस संबंध में किस शाखा से है? जब इसका संबंध किस शाखा से है वो बताना है। कौन सा? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत। ग्यारह का आंसर होगा ए, महायान से है। कौन से है? महायान से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बारह नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने, अकबर द्वारा बनाए गए उपसाना भवन का नाम क्या नाम था? मतलब अकबर द्वारा बनाए गए उपसाना भवन का क्या नाम था वो बताना है, उपसाना भवन। बारह का होगा सी, इबाद खाना। क्या बोला जाता है? इबाद खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपखाना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेरह नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन बैजू बावार किसके शासन काल में थे? मतलब तानसेन और बैजू बावारा किसके शासन काल में थे वही आप लोगों को बताना है। तो तेरह का आंसर होगा यहाँ पे सी, अकबर के शासन काल में थे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावारा किसके शासन काल में थे? अकबर के काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्माण बंदरगाह है, जो कोयला का निर्यात बंदरगाह है, या किस देश में स्थित है? चलिए एक बार और क्वेश्चन को हम रीड डाल देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है या किस देश में स्थित है? तो 14 नंबर का आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। कौन पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम क्या है? न्यू कैसल पोर्ट जो कोयला के निर्यात के लिए स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखा के बारे में आप लोगों को बताना है। तो 15 का आंसर होगा डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर का सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होता है? विषुवत रेखा के पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुकरण बनाना कौन सा है? मतलब उत्तर से नॉर्थ से साउथ की ओर देखना है, तो सबसे पहले नॉर्थ का देखेंगे सबसे कौन है, फिर साउथ की ओर जाएंगे। इसका सही आंसर होगा 16 का सी नंबर। कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन है? नंगला मलाई पहाड़ी है, उसके बाद क्या है? जवादी पहाड़ी है, फिर नीलगिरी पहाड़ी है, और लास्ट में जो दक्षिण में हो क्या है? अनलाई पहाड़ी है। चलिए इस पर एक बार फिर इसको देख लेते हैं, कौन सा सबसे पहला कौन होगा? नल्ला मलाई पहाड़ी। कौन सा है? नल्ला मलाई पहाड़ी, उसके बाद होगा जवादी पहाड़ियां, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियां, उसके बाद अनलाई पहाड़ियां, सबसे लास्ट में अनलाई पहाड़ी होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कौन सी नदी बदलती है? 17 का आंसर होगी बी, कोसी नदी, जो हर साल अपना रास्ता बदल देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण क्या लिखा हुआ है? अनुर्वरक हो जाती है। चलिए एक बार फिर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण मृदा जो क्या हो जाता है? अनुर्वरक हो जाती है। इसका सही आंसर हो गया 18 का सी नंबर, लेटराइट के कारण। कौन होगा? लेटराइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सच पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा प्रकाश के संदर्भ में। तो यहाँ पे जो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी, सभी जो दिया हुआ सब सही है,
ए में क्या दिया हुआ है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग, सही दिया हुआ है। यह एक कण प्राकृतिक है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। इसका सही आंसर डी होगी, मतलब तीनों आंसर इसका सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने 20 नंबर है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, बायोगैस में कौन सी होती है, 20 का आंसर क्या होती है, ए होगा, किण्वन होती है बायोगैस संयंत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग एक बार क्वेश्चन देखते जाइए, जिनको आंसर होता है आंसर बस अपना कॉमेंट में करते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग में उत्तर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है, वर्ग में पीरियोडिक टेबल में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, 21 का आंसर हो गया बढ़ जाता है, परमाणु का आकार क्या होती है, बढ़ती है, जब ऊपर से नीचे आते थे हम लोग बढ़ जाती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हो गया, और 22 नंबर देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, जो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होती है क्या कारण से होती है, तो 22 के आंसर होगा बी, धूल कण के कारण होती है विसरण। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी अवयविकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, मतलब किसी भी अवयविक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा किसी भी अवयविक का, 23 का क्या होगा, शून्य होती है ऑक्सीकरण किसी भी अवयविक का, अवयविक में मेटल जोड़ा था कोई टोटल अवयविक का देखेंगे तो उसका शून्य होता है, अगर एक मेटल के देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसका होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक अवयविक है, जो सांप का विष होता है उसके रोकने के लिए कौन सा अवयविक का तत्व होता है, सही आंसर 24 का ए, स्वर्ण अवयविक होता है, कौन सा, स्वर्ण अवयविक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 25 नंबर। दाब का विमीय सूत्र क्या है, मतलब डायमेंशन दाब का बताना है, तो 25 का यहाँ पे आंसर हो गया बी नंबर, एम एल पे पावर माइनस वन टी पर माइनस टू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। जैव सेल क्या है, यहाँ पे जैव सेल के बारे में बताना क्या है, इसका सही आंसर क्या था, कोयला, एक तरह से कोयला है जैव सेल। 17 नंबर क्वेश्चन। आदर्श का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग से होता है, जो आदर्श होता है मस्तिष्क के किस भाग से संबंध होता है वही बताना है, तो 27 का जो आंसर होगा क्या होगा, डी, सेरेब्रम, सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम में नहीं होता, किस में होता है, सेरेब्रम में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है, वो पक्षी का नाम क्या, जीवाश्म पक्षी इसको बोला जाता है, जो पक्षी की तरह दिखता है मगर इसका विशेष जो गुण है वो कहा, सरीसृप के तरह होता है, तो 28 का आंसर क्या होगा, बी, आर्कियोप्टेरिक्स होता है, क्या, आर्कियोप्टेरिक्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो 29 का आंसर बी होगा, ऑक्सीजन, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टेज नापने के लिए, तो सही आंसर 30 का होगा क्या, बी, मतलब वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ 31 नंबर है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, जो जिस समय आपातकाल होता है मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, 31 का आंसर होगा सी नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राकलन समिति, जो 32 नंबर क्वेश्चन है। प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, जो प्राकलन समिति है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों की होती है, 32 का आंसर ए होगा, एक वर्ष के लिए ही बनाई जाती है प्राकलन समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, मतलब भारत के संचित निधि से पैसा निकालने का किसके अनुमोदन मतलब आदेश से होता है, तो 33 का आंसर देगा भारत के संसद के, भारत से संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है,
आंसर होगा ब्रिटेन, डी आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समानता किसके से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है, जो संविधान संशोधन होता है वो किस भाग में उल्लेख है। 35 का आंसर डी होगा, भाग 20 में उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग मिलान करना है। पहला ए में दिया हुआ भाषा का उल्लेख, बी में दिया हुआ दल बदल निरोध अधिवेशन, सी में दिया हुआ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी में दिया हुआ भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम। उसको सूची से समागम करना है, जो दूसरी तरफ सूची दिया हुआ, 10वीं सूची दिया हुआ, 8वीं सूची दिया हुआ, 9वीं सूची दिया हुआ, 11वीं सूची दिया हुआ, तो हम लोग को इसको मिलाना है। चलिए कैसे कैसे मिलान करना है सब देख लेते हैं। जो जो हम नीचे आंसर दिया हुआ है वो इस तरह से मिलाना है। देखिए यहाँ पे नीचे आंसर दिया हुआ है, देखिए मिलाते हैं। चलिए जो आंसर हो गए, देखिए बी वाला मतलब वन, जो बी आंसर हो गया इसका, जो हो गए भाषा का उल्लेख किस में है, अगर उसको मिलाएं तो टू में आएगा, अंतिम अनुसूची में। बी के आंसर वन हो गए, दल बदल निरोध अधिवेशन किस में है, 10वीं अनुसूची में दल बदल का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस में है, सी के 4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। और डी है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम किस में है, 3 में हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में। तीसरे अनुसार से आंसर क्या होगा, बी आप लोग देख सकते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था, कौन सा 1833 का चार्टर अधिनियम प्रथम विधि आयोग किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो 37 का आंसर सही आंसर होगा, बी नंबर लॉर्ड मैकाले के काल में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, प्याज और झींगा का किससे संबंधित है क्रांति। 38 का सही आंसर होगा सी, गुलाबी क्रांति बोला जाता है उसको, क्या गुलाबी क्रांति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटेन उर्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा सही 39 का आंसर होगा, आप लोग जानते होंगे आंसर होगा IMF और विश्व बैंक, तो जुड़वा बन भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ही प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो से मैं उसको सुधार कर दूंगा। अगर दिखाई नहीं देता साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो ये 5000 का सीरीज चलेगा, इडुटेरिया का जो सेट दिया हुआ 5000 का, उसी का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। जिनके पास बुक नहीं है, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी से कर लीजिएगा, अपना आंसर देखते जाइएगा, क्वेश्चन देखते जाइएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो 40 का आंसर होगा डी, 1949 में। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, 41 का सही आंसर होगा ए, बीडी सावरकर का, इनका है बीडी सावरकर का, थोड़ा आंसर फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप लोगों को देखने में दिक्कत हुआ होगा, क्या होगा बीडी सावरकर का। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, भारत में आयकर कैसा है, भारत में आयकर बताना है 42 का, 42 का सही आंसर बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, क्या है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कुचिपुड़ी किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य थे, सबसे पहले तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य तो किस राज्य का है वो हम लोगों को बताना है, 43 का सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश की, किसका है आंध्र प्रदेश की। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमानी उत्सव पर्व का संबंध किस खेल से है, हिमानी उत्सव पर्व, तो 44 का आंसर होगा बी, मलखब युद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निफक आंदोलन की प्रणेता थे, निफक आंदोलन प्रणेता किसे थे, 45 का आंसर होगा सी, दादू दयाल से, किसे दादू दयाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, दरकमक सिक्का किसने चलाया था, सिक्का का नाम आप लोग पढ़ लीजिए, दरकमक सिक्का किसने चलाया था, तो 46 का आंसर होगा ए, ग्रीक ने, किसने चलाया था ग्रीक ने, दरकमक सिक्का ग्रीक ने चलाया था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है आप लोगों को देखने में दिक्कत हो, थोड़ा हम ज्यादा जूम हो गया था। चलिए
47 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या बोला जाता है, तो 47 का आंसर होगा खादर बोला जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होती है उसे क्या बोला जाता है। 48 नंबर, 48 का सही आंसर होगा सी थर्मोक्लाइन, क्या बोला जाता है थर्मोक्लाइन। 49 क्वेश्चन देखते हैं, बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड किससे संबंधित है, तो 49 का सही आंसर होगा ए बैंकिंग क्षेत्र से, बेसल मापदंड किससे है बैंकिंग क्षेत्र से। चलिए आजकल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का, क्योंकि इस सेट हर सेट में 50-50 ही क्वेश्चन रहती है, फिर मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा आप लोग वो भी देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, इंग्लिश में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। 50 का सही आंसर होगा डी अर्नाल्ड टायम्बी ने। देखिए इस सेट यूडिटेरिया का 50-50 क्वेश्चन का सेट होती है, हम बता दें इसमें कुछ फैक्ट रहता है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आप लोगों का दूसरा सेट। इसी के तरह हम 100 सेट पूरा दिया हुआ, 100 मतलब 5000 क्वेश्चन टोटल होती है, मैं आप लोगों को पूरा कराऊंगा, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी से देख लीजिएगा। इसका फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन रहता है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग भी देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा और याद करते जाइएगा, अगर ज्यादा हो तो आप लोग पहुंच करके क्वेश्चन देख सकते हैं पहुंच करके। चलिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था नर्मदा नदी घाटी से, सेकेंड देखें, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिले थे, कहाँ मिले थे मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ से मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिला, कहाँ से मिला है दमदमा से, आप लोग क्वेश्चन देखते जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से, कहाँ से हुआ बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से बुर्ज होम से। नेक्स्ट देखते हैं, जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से कालीबंगा से, कालीबंगा से हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा में लोथल से, कालीबंगा लोथल से प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, युग समाधिया का प्रणाम प्राप्त हुआ कहाँ से कालीबंगा लोथल से। नेक्स्ट देखते हैं, नक्शा सीदार ईटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट देखते हैं, नर्तकी के काश मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट, शवों को दफनाने की पत्थर प्रचलन था कहाँ से हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। देखिए दोनों क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से, दफनाने का संबंध था हड़प्पा से और जलाने का संबंध किससे था मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुआ कहाँ से मोहनजोदड़ो से, 3 मुख वाले। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से बनावली से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वहां पे दिया हुआ, उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीर से, कहाँ से हुआ धौलावीर से। शैल कृति स्थापत्य का प्राचीनतम प्रणाम प्राप्त हुआ है धौलावीर से। नेक्स्ट देखते हैं, वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था उसको क्या नाम था धौलावीर में था। इसका कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्ही हवा से। आग का आविष्कार हुआ था कौन पूरा पाषाण काल में। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ और अव था। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था तांबा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे कौन, लोथल और सुतकोतबा। लोथल तो सब जानते हैं मगर ये थोड़ा नया नाम आ जाता है सुतकोतदा। लास्ट आज का है फैक्ट, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ था पिकटक में। देखिए ये फैक्ट भी खत्म हो चुका है और 50 क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं। अब नेक्स्ट से ये सेट 1 था और नेक्स्ट बार आऊंगा तो सेट 2 लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिएगा और कुछ कमेंट का सुझाव देना है आप लोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से अगर आऊंगा तो 2 सेट रोज करवाऊंगा क्योंकि जल्दी जल्दी किताब को खत्म करनी है। टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन होगी
आप लोग देखते जाइएगा, इसी तरह से उसका दिया हुआ पीडीएफ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोगों को।